आदि पुरुष चित्रपटाबद्दलचा वाद दिवसेंदिवस वाढत आहे। चित्रपटा विरोधात काही ठिकाणी तक्रारी देण्यात आल्या आहेत तर काही ठिकाणी तोडफोड ही झाली आहे। अशातच पालघर जिल्ह्यातील नालासोपारा इथे एका थिएटर मध्ये या चित्रपटाचे शो बंद पाडण्यात आले। काही हिंदू संघटनांनी चित्रपटाचे शो बंद पाडले व गोंधळ घातला। थिएटर मधील या संपूर्ण गोंधळाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे। आप सब लोगों को धिक्कार है, अगर ऐसी फिल्मों का आप समर्थन करते हो तो ये रंगमार दिखाओगे, ये सिखाओगे अपने बच्चों को। बाहर आ जाइए। नहीं, अभी हम अपनी बात कह लेंगे। बाहर आके बात कीजिए। यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। ये होना शो, ये सुनो एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं लगती होगी लेकिन हमें लगती है। हम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पैसे रिटर्न करो, यही पे सर, यही पे होगा, यही पे होगा, यही पे होगा, बाहर में यही पे। एक एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो। हमारे देवी देवताओं का जो भी अपमान करेगा हम उसका प्रतिकार करेंगे, करेंगे, ठीक है। तुम कितने भी बड़े तोप हो हम करेंगे। हमें फांसी पर भी चढ़ना होगा, हम चढ़ने के लिए तैयार है। हम नपुंसक नहीं है, हम कायर नहीं है। आप लोग बैठे होंगे, आप लोग के अंदर कायरता भरी होगी। हम कायर नहीं, हम अपना गला कटाने के लिए तैयार है। दिक्कत है, दिक्कत है, बॉलीवुड को 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 दिक्कत है। पालघरच्या नालासोपारा येथील एका मल्टीप्लेक्स मध्ये रविवार 18 जून रोजी आदि पुरुष चित्रपटाचा शो सुरू होता। त्याचवेळी काही हिंदू संघटनांच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला। आंदोलकांनी चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले, घोषणाबाजी केली आणि मल्टीप्लेक्स कर्मचाऱ्यांशी चांगलाच वाद घातला। या गोंधळाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। दरम्यान मल्टीप्लेक्स मधील एक व्यक्ती त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे, पण या आंदोलनकर्त्यांनी त्याचं म्हणणं न ऐकता तिथेच गोंधळ घातला। देशातील विविध भागात चित्रपटाला विरोध होत असताना आता महाराष्ट्रातही हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक भूमिका घेऊ लागल्या आहेत।